नमस्कार, खबर हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जाएंगे जिसकी बीवी के पास वक्त नहीं है तो उसने डॉल को ही बना लिया अपना पार्टनर। जी हाँ, ये प्रेम कहानी भी सुनने में बड़ी अजीब है। जापान के 45 वर्षीय मायासुकी ओजाकी नाम का एक शख्स डॉल के प्यार में पड़ गया। ये डॉल की वजह से उनका अपनी बीवी से झगड़ा भी हुआ, पर आखिरकार जीत तो प्यार की हुई और मायासुकी अब अपना ज्यादातर वक्त अपनी डॉल के साथ बिताते हैं। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट मायासुकी का कहना है कि उनकी बीवी और बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, इसलिए वे बाजार से मायू नाम की एक सिलिकॉन डॉल खरीद लाए जो कदकाठी में किसी महिला के बराबर है। जिस तरह कोई पति अपने पत्नी के साथ रहता है, वैसे ही मायासुकी इस डॉल के साथ एक ही घर में रहते हैं। इस बात को लेकर पहले उनका उनकी बीवी से बहुत झगड़ा होता था, लेकिन बाद में बीवी ने भी स्थिति से समझौता कर लिया। मायासुकी का कहना है कि डॉल से रिश्ता जटिल नहीं है और वे उन्हें इत्मीनान से सुनती भी है। वे उसे बाहर घूमने भी ले जाते हैं और शॉपिंग भी करवाते हैं। साथ ही उन्होंने डॉल के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई है और मरने के बाद भी उसी के साथ दफनाया जाना चाहते हैं। मायू डॉल के रूप में उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया।